नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ऐसा खुलासा करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आपने मत्स्य अवतार की कहानी तो सुनी होगी और शायद टीवी सीरियल्स में देखी भी होगी। आपने ये देखा होगा कि जो राजा सत्यव्रत थे, उनको भगवान विष्णु मत्स्य अवतार के रूप में दर्शन देते हैं। मत्स्य अवतार के रूप में भगवान विष्णु सत्यव्रत से ये कहते हैं कि आने वाले समय में महाप्रलय होगी, पूरा ब्रह्मांड धरती समेत खत्म हो जाएगा और तुम्हारा ये कर्तव्य रहेगा कि सप्त ऋषियों और उत्पत्ति के बीजों और धर्म के बीजों और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं और उनके बीजों को अपने साथ लेकर तुम्हें एक सुरक्षित स्थान में जाना होगा और मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मैं उस महाप्रलय वाले दिन में तुम्हारा साथ दूंगा। भगवान विष्णु सत्यव्रत से ये भी कहते हैं, जब मैं वहाँ पे आऊँगा तो शेषनाग यानी जो मेरा सिंहासन है जिन पे मैं वास करता हूँ, तो शेषनाग भी मेरे साथ आएंगे। और तुम क्या करना कि जो तुम्हारी नाव है जिसमें तुम सुरक्षित स्थान पर जाओगे, शेषनाग की मदद से शेषनाग को मेरे साथ और अपनी नाव के साथ आपस में रस्सी की तरह बांध देना, जिससे ये होगा कि जहाँ जहाँ मैं सुरक्षित स्थान में आपको लेके जाऊँगा तो आपकी नाव भी मेरे साथ साथ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो शेषनाग हैं वो एक रस्सी का काम करेंगे एक तरह से, जो मत्स्य अवतार और नाव को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शेषनाग हैं, जो विष्णु के सिंहासन है, वो अपनी जगह से कोई खेल नहीं है कि उठ के चल दिए और जब ज़रूरत पड़ी वापस आ गए। दोस्तों, ये प्रोसेस तब होता है जब महाप्रलय आती है। आपको पता ही होगा कि हर ब्रह्मांड, हर यूनिवर्स में एक कॉस्मिक विष्णु है और हमारे वैदिक कॉस्मोलॉजी के अनुसार अनंत पैरेलल यूनिवर्स है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हर यूनिवर्स के अपने विष्णु, ब्रह्मा और शेषनाग हैं, तो कह सकते हैं कि देयर आर एन नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉस्मिक विष्णु, और इसी तरह से कॉस्मिक ब्रह्मा भी हैं। तो जब शेषनाग अपनी जगह से हट रहे हैं, विष्णु जी मत्स्य अवतार बन रहे हैं महाप्रलय से बचाने के लिए, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उस समय पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स ख़त्म होने वाला है, फटने वाला है। तो दोस्तों, मत्स्य अवतार की कहानी कोई ऐसी नहीं है कि एकदम से बाढ़ आ गई, जैसे सीरियल में दिखाया जाता है कि बाढ़ आ गई, एक नाव बनाई, उसको मत्स्य अवतार के साथ जोड़ा और दूसरी जगह पहुंच गए, दूसरे आइलैंड पे या दूसरे देश पे। दोस्तों, यहाँ पर महाप्रलय की बात हो रही है, कोई यहाँ पे कोई बाढ़ नहीं आ गई जैसे नॉर्मल स्टेटों में आ रही है कि भैया हम नाव में बैठे एक जगह और दूसरी जगह पर आ गए। दोस्तों, ये सीधा सीधा इंडिकेट करती है कॉस्मिक ट्रैवल का, इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल का, यानी कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स की यात्रा करने का। और दोस्तों, जैसे सीरियल में दिखाया जाता है कि वो पानी का जो सागर है उसको पार कर रहे हैं, दोस्तों वो असली में कोई पानी का सागर नहीं है, वो कॉस्मिक सी है। जब एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाया जाता है और उस प्रक्रिया में सीधी सी बात एक वर्म होल क्रिएट किया जाता है, तो उस वर्म होल के बीच में कॉस्मिक सी का जिक्र किया जाता है और ये ऋग्वेद में क्लियरली मेंशन है। और ये कॉस्मिक सी में क्या है, कॉस्मिक फ्लूइड है जिसको प्रीमोरिडियल फ्लूइड भी कहते हैं और संस्कृत में इसको सलाइला कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मत्स्य अवतार का मतलब ये नहीं है कि एक सागर को पार कर लिया पानी के, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंच गए, जी उड़ीसा में बाढ़ आई, जी बिहार पहुंच गए बचने के लिए नाव से। तो दोस्तों, इट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल, ये सबसे बढ़िया उदाहरण है जो हमारे वैदिक टेक्स्ट में दिया गया है
कि इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल पॉसिबल है और मत्स्य अवतार ने जो सत्यव्रत की जो मदद की थी वो इसी में ही की थी कि एक यूनिवर्स से लेकर के दूसरे पैरेलल यूनिवर्स की यात्रा की मत्स्य अवतार की मदद से और शेषनाग की मदद से। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए सीधी सी बात है एक शॉर्टकट ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया एक वर्म होल की ज़रूरत है। ये कौन करता है? दोस्तों ये करते हैं हमारे ब्रह्मा भगवान। इनका काम ही यही है कि वर्म होल को क्रिएट करना, इसलिए ही इनको क्रिएटर कहा जाता है। ये यूनिवर्स के भी क्रिएटर हैं और आगे जो कंडीशंस बनानी है इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल के लिए उसके लिए भी सेम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्म होल क्रिएट किया जाता है फ्रॉम वन यूनिवर्स टू अदर, उसका पूरी जो जिम्मेदारी है, उसका जो पूरा दायित्व है वो कॉस्मिक ब्रह्मा के लिए होता है और कॉस्मिक ब्रह्मा ही ये करते हैं। और जब कहने का मतलब ये है कि जब ये ट्रैवल पूरा हो जाता है तो ज़ीरो से लेके पूरे प्लैनेट्स को बनाने तक का काम ब्रह्मा जी ही करते हैं। वो एनर्जी को कह सकते हैं मैटर में कन्वर्ट करते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि इस एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करने के लिए साइंटिस्ट भी जी जान से लगे हुए हैं, हिग्स फील्ड क्रिएट करने में लगे हुए हैं जो लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर की मदद से की जाती है, बहुत ही कहते हैं सब एटॉमिक लेवल पे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो वैदिक टेक्स्ट में लिखा गया है, वो कोई हवा में नहीं लिखा गया है, उसका कोई मतलब है, उसको समझने की ज़रूरत है। और क्या होता है कि जिनको नॉलेज नहीं होती वो उसका उल्टा सीधा मतलब निकाल लेते हैं और फिर हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। कोई ये कहता है कि जैसे कि अरे ये तो महाप्रलय थी और ये नाव से पानी को पार कर रहे थे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, तो ये क्या महाप्रलय हुई? महाप्रलय तो सब कुछ ख़त्म होना होता है। तो भाई जिसको नॉलेज नहीं है, जो ढंग से उसको टेक्स्ट को नहीं पढ़ता, नहीं समझ पाता, जिसको वैदिक फिजिक्स की नॉलेज नहीं है, तो वो इन चीज़ों का गलत ही मतलब निकालेगा और हिंदू टेक्स्ट को टारगेट करेगा। तो दोस्तों हमारा तो यही मिशन रहता है कि चीज़ों को समझा जाए और आपके पास उसको लेकर आया जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।